बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये तो सबको याद होगा क्योंकि ये नीतीश का बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। लेकिन नीतीश का ये वही बिहार है जहां कहने को शराबबंदी है। सूबे के शहंशाह दिल्ली से लेकर बिहार तक में अपने नेक पहल के बखान पर थकते नहीं है। सत्ताधारी से लेकर आला अधिकारी अब जिनको रोल मॉडल मानने लगे हैं, उनके बिहार में शराब दिखता तो नहीं है क्योंकि बंद है, पर बिकता जरूर है। और ये हम नहीं कहते हैं साहब, बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आती रोज रोज की तस्वीरें बयां करती। विश्वास नहीं होता तो सुपौल चलते हैं। दरअसल ये सुपौल जिले का त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल है और पैर में प्लास्टर टांगे ये मरीज मधेपुरा जिला कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया परसाही गांव निवासी 17 साल के विकास है। विकास पिछले दिन सड़क दुर्घटना में घायल होकर सड़क के किनारे पड़े थे, जिसकी सूचना के बाद त्रिवेणीगंज पुलिस ने विकास को अस्पताल पहुंचाया और लवारिश की तरह छोड़ पल्ला झाड़ निकल गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक उपचार किया और सुविधा के अभाव में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। वही घटना के बाद खुद पीड़ित ने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में था जिससे उसकी बाइक दुर्घटना हुई है। तुम शराब पिया हुआ है? थोड़ा सा पिया। कितना पिया शराब? थोड़ा सा। ओ, शराब पी के गाड़ी चला रहा था? नहीं, हम उतना ही पिया था, एक पैक पिया था। एक पैक पिया था? कौन सा शराब पिया था, अंग्रेजी की देसी? वह इस घटना के बाद पत्रकारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीरेंद्र दरवे से पीड़ित के शराब पीने की बात पर कार्रवाई की बात की तो साहब पल्ला झाड़ते नजर आए। क्या हुआ, शराब के नशे में भी है? शराब के नशे में भी है वह पेशेंट? जो पेशेंट इंजर्ड होकर के एक्सीडेंट के केस में आपके यहाँ आया है वह शराब के नशे में भी है? तो पुलिस लेके आया है, वो तो पुलिस आने, हम लोग चूंकि पेशेंट अनकॉन्शियस आप था। आप हाँ। मेडिकल किए हैं, उसका प्राइमरी स्टेज का उपचार किए हैं, आपको पता नहीं जो शराब पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है? हाँ? आपको पता नहीं चला जो वो शराब पेशेंट अनकॉन्शियस था? पेशेंट नाम भी अज्ञात के नाम से लिखा रहा था, कैसे कैसे पुलिस आके बताया उसका नाम? पेशेंट खुद हम लोगों को बयान दिया है जो हम शराब पिए हैं, लेकिन आपके मेडिकल पुर्जा पे आपने उसकी शराब की पुष्टि क्यों नहीं की, क्या दर्शाता है आपका? क्या आपने पेशेंट के मेडिकल पुर्जा पे रिपोर्ट पे उस पे शराब के नशे में पुष्टि नहीं की है? लेकिन पेशेंट नहीं ना, उसका पुलिस का काम है ना, पुलिस उसको लाया इमरजेंसी में, चूंकि ब्लड बहुत जा रहा था, हम लोग प्राइमरी एड करके उसको बाहर भेजे हैं। सुना आपने, डॉक्टर साहब को सुनकर साफ झलकता है इनके दरिया दिली। दरअसल घायल ने खुद स्वीकार किया कि उसने अंग्रेजी शराब पी है। इसके बाद भी डॉक्टर दरवे इनकी पुष्टि नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास शराब जांचने के लिए मशीन जो नहीं है। शराब का पता तो आप ही लोग को करना पड़ता है कि तो, वो तो डॉक्टर ही ना पुष्टि करेगा कि शराब के नशे में है कि नहीं है। इसलिए डॉक्टर हम लोग नहीं करेंगे कि ब्रेथ एनालाइजर यहाँ पुलिस के पास रहता है, हम लोग के पास कुछ है देखे अभी। तो फिर शराबी का मेडिकल कैसे कराया जाता है सर? कौन शराब? जो भी शराबी आता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में, तो मेडिकल मेडिकल पुलिस करता है ना, अभी उसका जान जा रहा, चूंकि ब्लड लॉस से मर जाएगा वो। जी नहीं, वो अभी कैमरा पे बयान दिया है तो वो शराब पिया है ना, हम लोग चूंकि उसको आपकी दायित्व नहीं बनती है प्राइमरी स्टेज के दौरान यह जांचना कि वो शराब के नशे में है या नहीं है। अभी इमरजेंसी कंडीशन में उसका पहले लाइफ सेव करना है, अभी जो कि पुलिस आरटीए केस हुआ है वो पुलिस से आप इंक्वायरी लीजिए, थाना ले गया, थाने अरेंज करके उसको, कोई आदमी नहीं था उसका करके अज्ञात दिख रहे थे, बाद में पुलिस नाम दिया, चूंकि वो पेशेंट शराब का पुष्टि करना डॉक्टर का काम नहीं है। हम कहाँ करें डॉक्टर का, चूंकि हमारे कहाँ पुष्टि किया, आपने पुर्जा पर पुष्टि नहीं किया है, आपने पुर्जा पर पुष्टि हम लोग के पास यहाँ कुछ नहीं है जांच करने का। अब सवाल उठता है कि सरकार शराब पर पाबंदी की बात करती है जिसको लेकर पुलिस आए दिन छापेमारी करती है और शराब भी बरामद करती है, लेकिन शराब के नशे में धुत एक नाबालिग युवक को कैसे छोड़कर चली गई? सवाल ये भी उठता है कि अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर अगर इस तरीके के मामले में ऐसे दरिया दिली दिखाएंगे तो औरों का क्या होगा? क्या सरकार जो सुशासन के राज में शराबबंदी का ढोल पीट रही है वह महज मजाक है या फिर कुछ और? त्रिवेणीगंज से प्रशांत के साथ संत सरोज की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।